निकाय चुनाव की कसौटी पर क्या बीजेपी करेगी लोकसभा चुनाव की जमीनी तैयारी? 2017 के नगरीय चुनाव में भाजपा ने कितना मारा था दांव, इस बार के चुनाव में कितना है लक्ष्य? नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना के साथ ही प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज गया है। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। बता दें, चुनाव दो चरणों में 4 मई और 11 मई को होगा, जबकि 13 मई को मतों की गिनती होगी। राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि राज्य के 760 नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत कुल 14,684 पदों पर चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इसमें 17 महापौर, 1,420 पार्षद, नगर पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों के 5,327 सदस्य, नगर पंचायतों के 544 अध्यक्ष और नगर पंचायतों के 7,178 सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव होगा। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयुक्त ने बताया कि प्रथम चरण में 11 अप्रैल से नामांकन पत्रों की खरीद और जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यह 17 अप्रैल तक चलेगी। पहले चरण में नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को और नामांकन वापसी के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की गई है। आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है। ऐसे में भाजपा के लिए निकाय चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्वाभ्यास होंगे, लिहाजा पार्टी निकाय चुनाव की कसौटी पर ही लोकसभा चुनाव की जमीनी तैयारी करेगी। पार्टी ने विकास और उपलब्धियों के साथ राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देकर निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम, जिला मुख्यालयों की नगर पालिका परिषद सहित बड़ी पालिकाओं और नगर पंचायतों में काबिज होने का लक्ष्य पूरा करने की रणनीति बनाई है। बता दें, 2017 के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने 16 में से 14 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद में से 70 नगर पालिका परिषद, 438 नगर पंचायतों में से 100 नगर पंचायतों में कब्जा जमाया था। पार्टी ने इस बार सभी 17 नगर निगमों में परचम लहराने का लक्ष्य रखा है। साथ ही जिला मुख्यालयों सहित सभी बड़ी नगर पालिका परिषद और अधिकांश नगर पंचायतों पर काबिज होने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी के लिए नगर निगम में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ना, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में पहले से अच्छा प्रदर्शन करना बड़ी चुनौती है। इस चुनाव में 110 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है, वहीं 127 नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों का विस्तार हुआ है। ऐसे में निकाय चुनाव भले ही कहने को शहरी क्षेत्र में हो, लेकिन इनके नतीजे का संदेह गांव और शहर दोनों तरफ से आएगा। जानकार मानते हैं कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ठीक एक वर्ष पहले निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनाव परिणाम के नतीजे लोकसभा चुनाव तक को प्रभावित करेंगे। यही वजह है कि सरकार और संगठन ने हर मोर्चे पर किलेबंदी की है। सरकार ने चुनाव की अधिसूचना से पहले जिलों में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। वहीं संगठन ने जिलों में पिछड़े, दलित, महिला, युवा, किसान, व्यापारी वर्ग के बीच किसी न किसी कार्यक्रम के जरिए विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पहुंचाए हैं। सरकार और संगठन का प्रयास है कि निकाय चुनाव में जीत से ऐसा माहौल तैयार किया जाए जो 2024 की राह भी आसान करने में मददगार हो। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य बीते 2 महीनों से कभी रामचरितमानस तो कभी पुराने नारों की आड़ में पिछड़े व दलित मतदाताओं को भाजपा के खिलाफ करने में जुटे हैं। निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे विवाद में सपा सहित अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक सभी चुनाव सरकार और संगठन में पिछड़ों को प्राथमिकता देती रही है। पिछड़े वर्ग ने भी भाजपा को एक तरफा समर्थन देकर डबल इंजन की सरकार को बरकरार रखने में अहम भूमिका अदा की है।
मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, चौधरी लक्ष्मी नारायण सहित पिछड़े वर्ग के कई मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री अमरपाल मौर्य, सुरेंद्र नागर, राज सैनी सहित पिछड़े वर्ग के भी दिग्गज नेता हैं। भाजपा ने पिछड़े वर्ग में पैठ बनाने के लिए पिछड़ों को सामान्य वर्ग की सीटों पर भी टिकट देकर निर्धारित 27% से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। पार्टी किसी भी कीमत पर पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी नहीं चाहती। भाजपा को निकाय चुनाव में पिछड़े वोट बैंक के बीच पकड़ की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। भाजपा ने तय रणनीति के तहत निकाय चुनाव से पहले दलितों के बीच अपना पूरा दम लगाया है। 2017 के निकाय चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि शहरों की सरकार के चुनाव में बसपा ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। बसपा को वर्तमान स्थिति के मद्देनजर पार्टी ने बसपा के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरा दमखम लगाया है ताकि उसका फायदा निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक उठाया जा सके। 6 से 14 अप्रैल तक दलित सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत दलितों को साधने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कौशाम्बी में अनुसूचित मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष विनोद सोनकर के संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी रैली की। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं भाजपा एसएससी मोर्चा की ओर से 14 अप्रैल से 5 मई तक दलित बस्तियों में अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत दलितों के बीच बताया जाएगा कि सपा ने पदोन्नत में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था, कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी उचित सम्मान नहीं दिया, बसपा सुप्रीमो मायावती भी भाजपा की मदद से ही 2 बार मुख्यमंत्री थी। ये है एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।